नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले कि क्यों हमने टाटा पंच को प्रेफर किया ओवर दी अदर व्हीकल्स। आप सबको बताएंगे पांच ऐसे कारण जिनकी वजह से हमने ये गाड़ी को प्रेफर किया। तो अगर आप भी टाटा पंच खरीदने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, इस गाड़ी को हमने काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी सोचने के बाद हमने ये गाड़ी को प्लान किया है खरीदने का। तो वो रीज़न जो है मैं आप सबसे शेयर करने वाला हूँ ताकि आपको भी जो है मदद मिल सके, हेल्प मिल सके, अगर आपके लिए भी ये पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाली ऑटो वर्ल्ड की हर लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, ये चैनल जो है बिल्कुल नया है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टाटा पंच जो है इंडिया की सबसे ज़्यादा पसंदीदा गाड़ी बन चुकी है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो इस गाड़ी को पसंद करते हैं, इसकी जो फैन फॉलोइंग है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है तहलका मच गया था एसयूवी सेगमेंट में, क्योंकि इस प्राइस रेंज में एक ऐसी एसयूवी टाटा ने लॉन्च की है जो कि 15-20 लाख वाली गाड़ियों को टक्कर देती है, क्योंकि इस गाड़ी में हमें अच्छी खासी सेफ्टी मिल जाती है, अच्छी खासी लुक्स मिल जाती है। तो ऐसे में ये गाड़ी क्यों ना वायरल हो, ये तो बनता ही है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट की कि क्यों ये गाड़ी जो है आपको प्रेफर करना चाहिए, किन लोगों को ये गाड़ी जो है खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इस गाड़ी के डिज़ाइन की, तो इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अगर आप फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल इस गाड़ी की जो है वो लगभग सिमिलर है इस गाड़ी की जो बड़े सेगमेंट की गाड़ी है, जैसे कि टाटा हारियर और टाटा सफारियर। तो अगर ये गाड़ी रोड पर चलती है तो सामने से कई बार जो है आप धोखा खा सकते हैं कि ये गाड़ी वाकई में ही टाटा हारियर है या फिर टाटा पंच। तो इस गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा टफ लुक देती है ये गाड़ी रोड पे चलते हुए। तो अगर हमारी माने तो ये गाड़ी प्रॉपर देखने में एसयूवी लगती है, बिल्कुल नेक्सॉन वेन्यू की तरह। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जैसे क्विड दिखती है, क्विड को थोड़ा सा बड़ा कर दियो, उस टाइप की ये टाटा पंच देखने में लगती है। तो कुछ लोगों का ये मानना है, बट आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये गाड़ी देखने में कैसी लगती है, एक प्रॉपर एसयूवी या फिर एक स्मॉल कार, एक स्मॉल हैचबैक आपको देखने में लगती है। तो आपके कमेंट करने से उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती है जो लोग टाटा पंच के डिज़ाइन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपकी हाईवे ड्राइव ज़्यादा रहती है, आप ज़्यादा स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक सेफ़ गाड़ी खरीदें। तो टाटा पंच जो है एक सेफ़ गाड़ी है, 5-स्टार रेटेड गाड़ी है। और 5-स्टार रेटेड ही नहीं, अगर हम इसकी चाइल्ड ऑक्यूपेंट की बात करें तो उसमें भी ये गाड़ी जो है 4-स्टार सेफ्टी लेके आती है, जो कि 10 लाख की रेंज में कोई और गाड़ी ऐसा नहीं कर पाती। और अगर सीधे ही बात करें तो ये गाड़ी जो है एक बड़ी गाड़ियों 15-20 लाख वाली एसयूवीज को टक्कर देती है सेफ्टी के मामले में। तो आपके लिए यहाँ पे कंफ्यूजन का पॉइंट ही नहीं रह जाता है, क्योंकि सबसे सेफ गाड़ी जो है 10 लाख की रेंज में वो आपको टाटा पंच ही देखने को मिलती है। चलिए बढ़ लेते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, टाटा पंच एक ऐसी एसयूवी है जिसमें हमें सेफेस्ट एसयूवी के होने के साथ साथ हमें सबसे अच्छी माइलेज देखने को मिलती है। अगर एज एसयूवी की बात करें तो इस गाड़ी में हमें 19 के करीब की माइलेज देखने को मिलती है, जो कि सेफेस्ट गाड़ी के साथ सबसे ज़्यादा माइलेज हमें देखने को मिलती है। ये गाड़ी इस तरह से डिजाइंड है कि इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया गया, जिसकी वजह से इस गाड़ी का जो वेट है वो भी ज़्यादा है, और जिसकी वजह से ये गाड़ी एक सेफ़ गाड़ी भी है। लेकिन उसके साथ साथ हमें इस गाड़ी में माइलेज भी अच्छी मिलती है। तो ये एक सेफ्टी प्लस माइलेज का कम्बिनेशन है, जो कि हमें 5-स्टार रेटेड किसी और एसयूवी में देखने को नहीं मिलता। अगर हम बाकी 5-स्टार रेटेड गाड़ियों की बात करेंगे, जैसे नेक्सॉन है, तो उसमें भी हमें 17 KMBL के आसपास की माइलेज ही मिलती है, लेकिन यहाँ हमें पंच में ये माइलेज देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चलिए बात कर लेते हैं हमारे चौथे पॉइंट की। तो दोस्तों, टाटा पंच में आपको कहीं भी स्पेस की कमी नज़र नहीं आने वाली है, क्योंकि टाटा पंच की जो स्पेस मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर हम बात करें इसकी रियर स्पेस की और फ्रंट स्पेस की, तो बड़े ही अच्छे से आप जो है 6 फीट का अगर आप ड्राइवर हैं तो आपको कहीं भी थकावट नहीं होने वाली है, नी में आपको अच्छा स्पेस देखने को मिलने वाला है। और वहीं अगर हम रियर की बात करें तो रियर में इस गाड़ी में काफ़ी अच्छी खास बात है, जो कि हमें किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलती, वो ये कि इसमें हमें रियर फ्लैट फ्लोर देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से जो बीच का बंदा है, जो बीच का पर्सन है, वो अपने पैर को बड़े ही अच्छे से रख सकता है और उसको थकावट वहाँ पे नहीं होने वाली है। तो बड़ा अच्छा स्पेस मैनेजमेंट किया गया है। और इसके अलावा अगर हम बूट स्पेस की भी बात करें तो 366 लीटर का हमें इसमें बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि हमें इस सेगमेंट की अगर बाकी एसयूवीज़ की बात करें, हालांकि इससे जो बड़ी साइज़ की एसयूवीज़ है उनसे भी ज़्यादा हमें यहाँ पे बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि हमें टाटा पंच में अच्छा खासा मिल जाता है।
तो अगर आप हाईवे ड्राइव पे लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं फैमिली के साथ, तो यहाँ पे आपके लिए जो लगेज है वो अच्छा खासा आप रख सकते हैं और बड़ी ही अच्छी आप जो लॉन्ग ड्राइव इस गाड़ी में कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो टाटा पंच है ये एक सेफेस्ट एसयूवी है, और ऐसे में इस गाड़ी का जो लुक्स, डिज़ाइन और अगर हम सेफ्टी की बात करें और माइलेज परफॉर्मेंस की बात करें, तो इस सब का जो कम्बिनेशन है इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा खास बना देता है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की फ़ैन फॉलोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे इस गाड़ी की जो वेटिंग पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम प्योर की ही बात करें तो प्योर वेरियंट तो कंपनी ने मना ही कर दिया कि वो दे नहीं पाएंगे जल्दी, 8 से 9 महीने की उसकी जो वेटिंग है। और बाकी वेरियंट्स की भी बात करें तो उनकी वेटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो इस गाड़ी की जो सेल्स फिगर है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये गाड़ी जो फ्यूचर में अगर आप गाड़ी आज खरीद लेते हैं और 3 से 4 साल बाद अगर आप इस गाड़ी को बेच के अपनी कोई और गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अपना शौक पूरा करके कोई और गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे में ये गाड़ी आपको अच्छा बेनिफिट दे जाएगी, अच्छी रीसेल वैल्यू दे जाएगी। तो इसमें ऐसा कुछ भी हमें डाउट नहीं लगता कि इस गाड़ी की जो रीसेल वैल्यू होने वाली है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो आप बिंदास जो है आँख बंद करके टाटा पंच गाड़ी खरीद सकते हैं फ्यूचर सेलिंग ऑप्शन देख के। इसके अलावा दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो टाटा की बाकी गाड़ियों के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसमें हमें एडवांस डिज़ाइन देखने को मिलता है इंटीरियर्स में, जैसे कि टाटा की कुछ कार्स की अगर हम बात करें, टियागो की, टिगोर की, तो उसमें हमें थोड़ा ओल्ड फैशन जो है इंटीरियर देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ टाटा पंच की बात करें तो टाटा पंच में अंदर बैठने के बाद आपको ऐसा फील नहीं होने वाला है कि जो इसका जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो एक ओल्ड फैशन है, बिल्कुल एडवांस फैशन आपको इंटीरियर देखने को मिलता है, बिल्कुल प्रीमियम इंटीरियर आपको देखने को मिलता है। कम्बिनेशन डिफरेंट कलर के कम्बिनेशन के साथ हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हमें टाटा की अगर हम बात करें नेक्सोन में देखने को मिलता है, या फिर कुछ कुछ हमें अल्ट्रोज में देखने को मिलता है। तो काफ़ी बेहद खूबसूरत इंटीरियर हमें इस गाड़ी में देखने को मिलता है। अगर आप बाहरी लुक के साथ साथ अंदरली लुक, इंटीरियर लुक की अगर हम बात करें, तो आपको गाड़ी में बैठ के बड़ी ही अच्छी फील आने वाली है इस गाड़ी को चलाते हुए, इस गाड़ी में ड्राइव करते हुए। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे पॉइंट जिनकी वजह से आपको टाटा पंच को प्रेफर करना चाहिए। तो अगर आप टाटा पंच का ओनरशिप रिव्यू देखना चाहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन में भी लिंक मिल जाएगा। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर वीडियो को करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।